संख्या लिखिए बच्चों। इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन जो लास्ट है। तो वंदे मातरम बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन पे हम पहुँचे हैं। फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी में चैप्टर टू हम कर रहे थे। तो पीछे की, पहले हमने आगे की संख्या की है, अभी हम पीछे की संख्या करेंगे। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बिफोर और आफ्टर, तो सिक्स के बाद आएगा सेवन, सात, आठ, नौ, पंद्रह, सोलह, बीस, इक्कीस, तो तैंतीस, चौंतीस, जो हम पढ़ चुके आगे वो ही आपको यहाँ लिखना है, 21, 22, ये आपको दिए गए जाएंगे। हम बोलेंगे इंग्लिश में बट आपको लिखने हैं हिंदी में, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, 24, 25, 26, 27, ठीक है, तो ऐसे आपको लिखने हैं। 37 के बाद आएगा 38, 28, 28 के बाद क्या आएगा वो आपको लिखना है, 28 के बाद आएगा 29, जैसे इंग्लिश में, तो वैसे ही आपको 30 के बाद 31, 32, 33 ऐसे आपको लिखना होगा। रिक्त स्थानों की संख्या लिखिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये मिसिंग आपको बच्चों लिखना है, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 41, 40, 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
43, 44, 45, 46, 47, 48 तो ये आपको दिया जाएगा, आपको ये 47, 46, 48 वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है, क्रम में लिखिए, क्रम में आपको उलट पुलट दिए गए होंगे, आपको क्रम में लिखना है ताकि आपको पता चलेगा कि एक के बाद ये आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 41, 42, ये आपको इंग्लिश में हम पूछेंगे, आपको लिखने हैं हिंदी में, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 34, 35, 36, 33, 33, फिर 34, 21, 22, ये सारे आपको हिंदी में लिखने हैं बच्चों। फिर ये कितने हैं तो चलो बॉल्स देखते हैं, अंकों में आप गिनिए, अंकों में हम गिनेंगे 12, शब्दों में है 12 और अंकों में है 14, लिखेंगे 14। तो आपको ये 5 बार एक्सरसाइज करनी है, आगे भी आपको इतनी बार करनी है तो जाके आपके दिमाग में ये चला जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हमने बहुत बार किया है इसलिए हमको पता है कि इंग्लिश में कितना होता है बच्चों। तो ये आपको पेज 5 बार करना है तब जाके आपको समझ में आएगा कि कितनी बार आपको पूछा जाएगा तो आप ये लिख पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कार्यक्रम ख़त्म होता है, पेज नंबर 15 को लेके हमारा ये लास्ट पार्ट। फिर हम थर्ड चैप्टर देखेंगे, कविता है जो पोयम हमारे हिंदी के लेसन में जो ऑलरेडी हमारा पोयम है, ठीक है, तो वो होगा नन्ना मुन्ना राही, ऑलरेडी मैंने आपको गा के सुनाया था, टेक्स्ट बुक में आप थोड़ा रेफ़र कर लीजिए, फिर हम आंसर्स भी उसमें भरेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, अच्छी सी प्रैक्टिस करना और बिना भूले रॉन्ग किए हुए अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में सारी बुक्स भर देना, आप आंसर्स उसमें फिल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।